नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले पूरे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक के बारे में, जैसे कि पहला स्टॉक है फ्यूचर रिटेल, दूसरा स्टॉक है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, तीसरा स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर और चौथा स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, जो फ्यूचर ग्रुप है पूरा कर्जे में डूबा था, तो उन्होंने रिलायंस के साथ एक वहाँ पे डील करने की कोशिश की थी, तो उसी के ऊपर आज के डिटेल में पूरे वीडियो में पूरे डिटेल में देखने वाले। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे के यही बताना चाहूँगा, अगर आप कोई स्टॉक्स लेते उसमें बाय और सेल करते तो खुद का स्टडी ज़रूर कीजिए, खुद का एनालिसिस करके उसमें बाय एंड सेल कर सकते। तो चलिए देख लेते पूरे जो न्यूज़ है पूरे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, जो फ्यूचर ग्रुप है पूरे कर्जे में डूबा ग्रुप है, तो आज के दिन में आपने देखा रहेगा लगभग सभी स्टॉक 5 से 10% से आराम से गिरे। जैसे कि फ्यूचर ग्रुप है कर्जे में डूबे हुए के कारण जो कंपनी एनसीएलटी में चली गई थी, एनसीएलटी में चले जाने के बाद क्या हुआ था, जो रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की, वो फ्यूचर ग्रुप को खरीदने वाली थी, लगभग 25,000 करोड़ में खरीदने वाली थी। दोनों के बीच डील होने ही वाला था, तो उसके बीच में आ गया अमेजोन। तो अमेजोन इसके बीच में क्यों आ गया, क्योंकि अमेजोन का कुछ हिस्सा फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टेड था। जैसे कि फ्यूचर ग्रुप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने उस डील को अपोज किया जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में होने वाली थी। देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है क्यों अपोज किया रहेगा। जैसे कि आपको पता रहेगा अमेजोन का बिजनेस क्या है, रिटेल में, और उनका मेन कॉम्पिटिटर कौन है बाजार में, रिलायंस इंडस्ट्री, उनका भी कुछ बिजनेस वहाँ पे रिटेल में। तो अमेजोन चाहती थी कि फ्यूचर ग्रुप और जो रिलायंस है उनके बीच में डील ना हो जाए, क्योंकि उनका कंप्यूटर कुछ बचेगा नहीं दूसरा मार्केट में जो भी, तो पूरा जो है बिजनेस अमेजोन कर सकती है इंडिया में, ऐसा अमेजोन का मतलब लॉजिक हो सकता है उसके पीछे, जो डील को कैंसिल करने के पीछे। तो उसी के ऊपर आज का न्यूज़ है, पूरे न्यूज़ को यहाँ पर आगे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जैसे कि NCLAT टू हियर अमेजोन प्ली इन फ्यूचर केस टुडे। NCLAT मतलब क्या रहता है, देखिए NCLT और NCLAT में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। NCLT मतलब क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है, जैसे कि आपको पता रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा अलग अलग रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं NCLAT और NCLT में अलग अलग रहते हैं। जो NCLT रहती है फर्स्ट स्टेप रहते हैं, अगर किसी को यहाँ पे डिसीजन पसंद नहीं आया तो आगे जाके वो NCLAT में यहाँ पे अपील कर सकते हैं। वैसे ही अमेजोन अभी NCLAT में चली गई। यहाँ पे न्यूज़ को देख सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर में यहाँ पे जो US बेस्ड कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था उसके लिए सस्पेंड किया था, मतलब इन शॉर्ट जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्टे लगाया था उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप में किया था उसके बारे में बोला था। तो उसी के ऊपर अमेजोन वापस यहाँ पर आज के दिन में NCLAT में चले गए, तो जो वहाँ पर उन्होंने बोला था ये जो सस्पेंड लगाया वो निकाला जाए, तो आगे भी देख सकते क्या हुआ आज के दिन में। जैसे कि हरीश सालवे जी करके है जो सीनियर लॉयर है, वो अमेजोन के अगेंस्ट यहाँ पे केस लड़ रहे, इन शॉर्ट बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के साइड से केस लड़ रहे और रिलायंस के साइड से भी केस लड़ रहे। तो उन्होंने यही बोला है लगभग जो है यहाँ पे 25,000 करोड़ का डील होने वाला था दोनों के बीच में, तो उसके से अमेजोन आ गए, उसके से डील अटक गए, कल के दिन में यहाँ पे हो गया था। आगे भी देख सकते क्या बोला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते जैसे कि लगभग आधा डजन जो है केसेस अभी हाईकोर्ट, जो दिल्ली हाईकोर्ट है वहाँ पे पेंडिंग है, जो रिलायंस या फिर फ्यूचर ग्रुप या फिर अमेजोन ने अभी तक यहाँ पे केस यहाँ पे डाले थे, तो लगभग 6 से 7 केसेस पेंडिंग है ऐसे यहाँ पे न्यूज़ में कहा गया है। मतलब बहुत ही जो है डील खींचती जा रही है। देखिए कभी भी कोर्ट या फिर ऐसा कुछ आता है जो भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता मार्केट में, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है या फिर जो बोल सकते हैं एक्सपांड बिजनेस होता है वो वहाँ पे रुक जाता है। आपने देखा रहेगा रिलायंस का जो स्टॉक है लगभग अभी वहीं पे खेल रहा है, 2500 रुपये के आसपास वहीं पे वहाँ पे रुका है, लेकिन अभी देखा जाए तो अगर ऐसा डील हो जाता तो लगभग स्टॉक 3000 के ऊपर भी जा सकता था, लेकिन केस का मामला आ गया तो वहाँ पे स्टॉक की ग्रोथ रुक गई, कंपनी की ग्रोथ रुक गई, तो ऐसा हो रहा है। देखिए इससे बदले रिलायंस तो ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा झटका है फ्यूचर ग्रुप को लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। अगर डील कैंसिल होती है आगे जाके रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, तो कंपनी में भी लिक्विडेट हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको पैसा लगाना है तो रिलायंस में लगाए, फ्यूचर ग्रुप में क्यों लगा रहे, फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी डूबा हुआ ग्रुप है और रिलायंस को खरीद रहे। अगर ज़्यादा पैसा आप रिलायंस में लगाएंगे तो आगे जाके आपके बहुत सारे मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन आपने फॉर द एग्जाम्पल फ्यूचर ग्रुप में पैसा लगाया तो मे बी आपका पैसा डूब भी सकता है। फॉर द एग्जाम्पल NCLT ऑर्डर देती है कि यहाँ पे कंपनी को लिक्विडेट किया जाए और जो भी बैंक से लेंडर है उनका पैसा लौटा जाए, तो उस केस में आपका पूरा पैसा डूब सकता है फ्यूचर ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, उसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर द एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस वो
के जीतते और फ्यूचर को कुछ खरीदते तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है स्टॉक में, तो वहाँ पे थोड़े दिन के लिए स्टॉक रॉकेट बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो रिलायंस ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर ग्रुप में तो थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, आगे जाके आपका पूरा पैसा डूबने के बहुत सारे चांसेस है। ये तो था आज का वीडियो। अगर न्यूज़ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते।